भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को। अपनी जिंदगी की मेहनत की जो कमाई है उसे पाने के लिए 5,85,000 लोग पिछले कई सालों से धरनारत, आंदोलनरत और सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है 2 फरवरी 2016 को और वो एक लोहड़ा कमेटी का गठन करती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि 6 महीने के अंदर लोहड़ा कमेटी जो है PSEL कंपनी की तमाम संपत्ति को बेच दे और जो पैसा है वो SEBI के पास जमा करा दे। SEBI वो पैसा इन्वेस्टर के पास दे दे, यानी कि जो लोग हैं करीब 5,85,000 लोग उनको वो करीब 50,000 करोड़ रुपया उनका दे दे। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। 31 जुलाई से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर धरना दे रहे हैं, देश भर के तमाम राज्यों से आए हुए हैं। 5,85,000 लोगों के परिवार का, 5,85,00,000 लोगों के परिवार को अगर आप जोड़ें तो अगर एक आदमी के परिवार में 4-5 आदमी भी हैं तो परिवार हुआ जाकर 30 करोड़। तो 30 करोड़ लोग इस देश के सफ़र कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब, लेकिन कोई मेनस्ट्रीम मीडिया इस मामले को दिखाने को तैयार नहीं है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 महीने हो गए हैं और इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है? हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह संधु है सर। किस लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर, क्यों आपको SEBI पैसा नहीं दे रही है? सर, हमने पिछले 32 साल से जो भी पैसा जमा कराया कंपनी को, वो 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भी इनका पैसा है जो वो लोडा कमेटी के पास जो जमीन। कितने लोगों का कितना पैसा? 5,85,00,000 लोगों का, 49,100 करोड़ रुपए है सर, जो लोगों ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था वो पैसा अब हम लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर। तो क्या ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, 18 महीने बीत चुके हैं, क्यों पैसा नहीं मिल रहा? सर, जो जमीन है उनकी, वो जमीन जो बेच नहीं रहेगे, उनकी कुछ नीति है जो वो गलत है, वो मतलब बेचने के लिए वो तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोहड़ा कमेटी को कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है सारी बेच दीजिए, SEBI के पास पैसा जमा करा दीजिए और आपका पैसा दे, तो क्यों नहीं कर रही है लोहड़ा कमेटी? सर, लोहड़ा कमेटी की नीति जो खराब है ना, भी वो नहीं चाहती, वो इनको लम्बा ले जाना चाहती है, इस केस को लम्बा ले जाना चाहती है। SEBI है जो, जहाँ लोहड़ा कमेटी है उसको लम्बा ले जाना चाहती है, इसके लिए ये वो लटकाए रखना चाहते हैं और इनका पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है। सफर कर रहे हैं ये लोग, हम और लोग भी उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? पृथ्वीराज यादव। अच्छा, क्या है, क्यों नहीं पैसा मिल पा रहा है? पैसा का तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सारी प्रॉपर्टी सेल की जाए, इन्वेस्टर को पैसा दिया जाए, लेकिन जो इसकी कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो एग्रीकल्चर लैंड है, इधर उधर बिखरी हुई, कुछ दूसरी कंपनियों के नाम SEBI है। SEBI का ऐसा भी मानना है कि उस प्रॉपर्टी में छोटे मोटे लिटिगेशंस भी हैं जिसकी वजह से वो बेच नहीं रही। और बड़ा कारण ये था उसमें कि उसमें बैन किया हुआ था कि PSEL से रिलेटेड कोई आदमी उसमें इंटरेस्ट ले नहीं सकता, उसमें भाग ले नहीं। अरे, प्रॉपर्टी 2,00,000 करोड़ की है और आपका पैसा है 50,000 करोड़, तो प्रॉपर्टी तो ज़्यादा है, दी जा सकता है बेच के। आपने जो सवाल किया क्यों नहीं मिल रहा पैसा SEBI के लोढ़ा कमेटी बनने के बाद भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच रही है, वो मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक तो PSEL से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सबको बैन कर रखा था, जो अभी अभी लोढ़ा कमेटी ने ऐसा एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई उसमें भाग ले सकता है, तो अब हमें उम्मीद है वो थोड़ी गति पकड़ेगी जमीन बिकने की, एक बात। दूसरी, चूंकि जमीन नहीं बिक रही, हम सारे लोग 5,85,00,000 लोग परेशान हैं। आपने जैसे कैलकुलेशन बिठाया 30 करोड़ लगभग उससे इफेक्टिव है, इसलिए मैंने जोड़ा कि हर के परिवार में 4-5 लोग होते हैं, माँ बाप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी। बिल्कुल, योर डाटा इज़ वेरी करेक्ट। तो ये हमारा मानना है अब
कि हम सरकार से यहाँ इसलिए गुहार लगाने के लिए आए हैं कि लोढ़ा कमेटी की यही प्रणाली चलती रही, यही कार्रवाई चलती रही, तो न जाने कितना समय लगेगा। यहाँ एक चीज आपको और बता दें, जो आज देश के वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, सरकार तो पूर्ण बहुमत से बनी और 335-340 के जाके सांसद आते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री का चार्ज भी वही देखते हैं, वित्त मंत्री का चार्ज भी वही देखते हैं, ये अलग इशू है। वही किसी जमाने में इस कंपनी के जो है लीगल एडवाइजर हुआ करते थे, अरुण जेटली जी हुआ करते थे, तो परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं देखिए। जब सत्ता विपक्ष में थे तो इस कंपनी के लीगल एडवाइजर थे, और आज देश के वित्त मंत्री बने बैठे हैं, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए और बातें करते हैं। तो आपके परिवार कैसे चल रहे हैं? आप लोगों को तो बहुत दिक्कतें आ रही होंगी। कितने स्टेट के लोग हैं? हर स्टेट में कितने कितने लोग हैं? हर स्टेट में कितने कितने लोग हैं? हर स्टेट में जो बड़ा स्टेट है उसमें ज़्यादा लोग हैं, और जो छोटा स्टेट है उसमें कम लोग हैं। पंजाब में कितने लोग? पंजाब में 25 लाख लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से। 25,000 लोग? 25 लाख लोग। 25 लाख लोग, तो मतलब ये करीब उनके परिवार जोड़ लिए जाए तो 25 सिक्का 150, 1.5 करोड़ के करीब लोग सफर कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हो ही गया ना, 1 करोड़, 1 करोड़ पीड़ित है सर। लोग खुदकुशियां करने के लिए उतर चुके हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो क्या लगता है पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बताइए थोड़ा सा। पैसा हम बताते क्यों नहीं मिल पा रहा। पैसा इसमें जी है कि जो पहले आपने सवाल किया था कि अरुण जेटली जी इसके लीगल एडवाइजर थे, और इसका कारण ये है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो इसका लीगल एडवाइजर कंपनी की ओर से कांग्रेस का हो जाता है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी का अरुण जेटली जैसे लोग हैं वो लीगल एडवाइजर हो जाते हैं। ये लोग मोटे रुपए इनसे कमाते हैं, इनको जैसे अभी बीजेपी की सरकार आ गई तो लीगल एडवाइजर क्या किसको बना दिया? अब कपिल सिब्बल है। हाँ, हमारे साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लेकर के गए हैं। ये भी देखिए, अब कपिल सिब्बल जो है विपक्ष में वो लीगल एडवाइजर हो गए हैं। आपका केस कौन लड़ रहे हैं? हमारा केस प्रशांत भूषण जी लड़ रहे हैं, और उनका वो कपिल सिब्बल कंपनी की ओर से लड़ रहा है, और सैबी का अलग से लड़ रहा है, और हम लोग आईएसओ की तरफ से जब लड़ रहे हैं तो जब सामने हमने देखा कि कपिल सिब्बल हमारे सामने खड़ा है, तो हम लोगों का यही मांग है कि मोदी सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और जो जितनी भी कंपनी की संपत्तियां हैं वो बड़े घराने को किसी को दे। या चीज ये बताइए, पर्ल कंपनी आप लोगों के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो, कितने टाइम से जुड़े हुए आप लोग? कोई 15 साल से जुड़े हुए। तो वो पहले पैसा देती आ रही थी, इस सरकार के बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पैसा उसने देना बंद कर दिया, वो बताइए, कोई बता सकता हो तो? सैबी को ज्यादा मजिस्ट्रेट पावरें दे दी है, सैबी को कुछ पावरें थी पहले, और जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसको मजिस्ट्रेट पावरें बढ़ा दी गई, और जो 2 लाख के करीब कंपनियां बंद की गई, और सबसे बड़ी जो घोटाला हुआ है मानते हैं देश का सबसे बड़ा लोग पीड़ित है वो PSL कंपनी से पीड़ित है, और इनका कोई भी ध्यान नहीं है। छोटी मोटी खबरें जो आती रहती है, अब चोटी काटने वाला मुद्दा तो उछाल रहा है, मीडिया भी उछाल रहा है, बट हमारा इतने लोगों की दर्द है जो सामने नहीं आ रहा। मैंने इसलिए मीडिया से भी आप लोगों को शिकायत है कि वो आपको नहीं दिखा रहा है। तो दूसरी बात यह है, हम लोग मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि मंगोलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और कीनिया जैसे लोगों को, किसी को 15,000 करोड़, किसी को 20,000 करोड़, किसी को 10,000 करोड़ रुपया जो डोनेशन के रूप में देते हैं, और इनके खुद के बाहर देश के लोग हैं जो 30 करोड़ लोग के लगभग पीड़ित हैं, वो उनको दिखाई नहीं देते, वो उनका पैसा नहीं लुटाना चाहते, उनकी कमाई का पैसा नहीं दे रहे हैं, और दूसरों को दिखा के बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहना है। और भी लोग हमारे साथ, उनसे बात, क्या नाम है आपका? मैं रणवीर सिंह चाहर। क्यों नहीं मिल पा रहा, और पैसा ना मिलने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा ये बताइए, दिक्कतों पे बात करें। दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, जिस परिवार में बिटिया की शादी होनी है, जिस तरह से कंपनी में पैसा डाला गया था, जिस विचारों से पैसा डाला गया था कि मुझे ये पैसा वापस होगा, मैं बच्चों की पढ़ाई कराऊंगा, बिटिया की शादी करूंगा, और अपने किसान हैं अपनी एक सिस्टम बनाएंगे, वो सारा पैसा अगर रुक जाएगा और पैसा नहीं मिल पा रहा है, उस एवज में परिवार कैसे चलता है, आप ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन सरकार को ये सारे सिस्टमों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि गरीब जो देश के गरीब निवेशक जो लोग हैं, आज 6 करोड़ हैं, और 6 करोड़ परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और 6 करोड़ लोगों के परिवार के साथ जो जुड़े हैं वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट में महिला भी शामिल हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर। अच्छा, तो कैसे परिवार चल रहे हैं? हम देखिए उनसे सारी चीज़ समझ चुके हैं, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे सारा पैसा जिंदगी भर का जो कमाया वो सब वहाँ फंस गया, अब उसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो परिवार सफ़र करेगा, तो कैसे चल रहा है उस पर बताइए थोड़ा। परिवार दे बहुत मुश्किल आई पई है भैया, और बच्चे शादी दे जोगा, 26-27 साल के बच्चे होए पे, शादी जोगा और पढ़ाई भी उन्हें रुकी पई आ,
और मैं तो यही सरकारां नूं कहूंगी, सैबी नूं, सीबीआई नूं, नोडा कमेटी नूं और मोदी जी नूं, भी जो पैसा हैगा साडा गरीबां दा खून पसीने दी कमाई आ सब को वापस किया जाए। और मोदी आप देखो बाबा रामदेव नाल और डेरियां दे नाल संबंध करता हैगा, जिथों इहनूं खाण नूं मिलदा पैसा मोदी सारियां सरकारां नूं, इह चोर बने बैठे आ सारे, ये लोगों तो पैसा ले जाते आपके ढिड भरी जाते हैं। सानू चार साल हो गए तड़फद्यानू, साड़ी कोई सुनाई नहीं गी, सानू चार साल से तरस रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी घर में होंगे, सोचिए बड़े बुजुर्ग भी घर में होंगे, किसी की दवाई मरम पट्टी भी होती होगी। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, तो 11 के बाद खत्म प्रोटेस्ट या फिर उससे आगे कुछ और चलेगा? उसके आगे प्लान है, अगर 11 तारीख तक हमारा इंटीमेशन है, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक स्टेट से, अगर फिर भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम वो हदें पार कर देंगे जो हमारा, जो क्योंकि हमारा मरना हो चुका है, हम लोग मर चुके हैं अंदर से, इतना रोज रोज मरना हमसे नहीं होगा, तो हम लोग वो काम करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, परिवार कैसे सफ़र कर रहे हैं? मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और ये बता रहे हैं पहले दिन जो था 31 और 1 अगस्त को यहाँ पर 1.25-1.5 लाख लोग रहे हैं, इतनी बड़ी उपस्थिति है, इतने लोग परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं जान रहा है। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार राय। अच्छा, तो राय साहब कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी, क्या है पूरा मामला, क्यों पैसा नहीं मिल पा रहा है और परिवार कैसे सफ़र करें, कुछ बताइए। देखिए जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार तो आपके सामने बैठा हुआ, हम लोग रोड पे आए हुए हैं, और जो आदमी रोड पे आया हुआ हो इस हालात में हमें, तो आप समझ सकते हैं हमारा हाल क्या है। ठीक है, और रही बात, तरह के लोग हैं ये सब, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, किस तरीके के लोगों का पैसा है? सर चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, ये तमाम तरह के लोग हैं, और कुछ इसमें हो सकते हैं 1-2% बड़े लोग भी, पैसे वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कराती है। लोग ऐसे फंसे हैं, उसके लिए पीएसएल भी जिम्मेदार है कि सेबी ही जिम्मेदार है, लोडा कमेटी ही जिम्मेदार है? यही बात तो हमें नहीं समझ में आता कि जो कंपनी परसों से चल रही थी, जिसको हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने बाकायदा जो है इसी सेबी के वजह से हाईकोर्ट में उसकी जो है डिग्री मिली हुई थी, उन्होंने डिग्री दिखाया, लोगों को बताया, विश्वास दिलाया, लोगों से पैसा लिया, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सेबी ने उसको बैन कर दिया? बैन कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो निवेशकों का पैसा फंसा है उसका पैसा भी दिलाने की जिम्मेवारी सेबी की है। लोडा कमेटी क्या कंपनी के ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकती थी? होटल में लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। वही है ना, उसके कंपनी के बड़े बड़े जो ऑफिस हैं जहाँ कनाड प्लेस में है, एक से बढ़कर एक है, वो खाली पड़े हैं, उनमें कबूतर बोल रहे हैं, तो लोडा कमेटी को वहाँ चाहिए था कि वो 5-स्टार जैसे ऑफिस है कंपनी के, वहाँ बैठ कर के फ्री में लोगों का पैसा, ये जांच के नाम पे लाखों पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जाए। हाँ, वो पैसा बर्बाद किया क्या है और सेबी को क्या नाम दिया गया है? हमारे साथ एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं पंजाब से आया हूँ। तो आपने सेबी को एक अजीब सा नाम दिया है, क्या बोल रहे हैं सेबी को? नागिन है सेबी, नागिन बता रहे हैं सीधा, किसको डस ले रही है? नागिन अपने बच्चे पैदा करती है और बाद में अपने खा जाती है बच्चे, ठीक है, उसी तरह ये सेबी जो है ये कंपनी को रजिस्टर करती है पहले, उसके बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनको बैन करके उनकी सारी प्रॉपर्टी हजम कर जाती है। आज तक रिकॉर्ड है कि सेबी ने जितनी कंपनियों को बैन किया है, किसी भी कस्टमर का एक पैसा भी वापस नहीं किया है, और ये सरकार सहारा वाले में अभी कोई पैसा वापस नहीं हुआ है किसी भी कंपनी का। गोल्डन फॉरेस्ट का ले लो, जितनी हजारों कंपनियां बैन की हैं, एक कंपनी का एक पैसा भी वापस कस्टमर को आज तक नहीं मिला है, और ये सरकारें सोती हैं, ये सेबी को संरक्षण देती हैं कि ये बड़ी बड़ा तगड़ा बोर्ड है जी, मतलब वो पाल के उसको अजगर बना दे रहे हैं। हाँ, उसको अजगर बना रहे हैं, वो सभी को खा रहा है, गरीब लोगों को खा रहा है। तो ये सब सेबी जैसी संस्था पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं, दुखी हैं, सड़क पर बैठे हैं, उनके मन में पीड़ा है, कोई सुनने को आ भी नहीं रहा है, मीडिया तो बस दिखाने में लगा, हिंदू मुसलमान हर चीज़ में बनाने में लगा है, तो इसमें तो सभी समाज का पैसा होगा, हिंदू मुसलमान सभी का पैसा होगा, या यहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। खैर, ये एक अच्छी बात है, कम से कम जो लोग पैसा मांग रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सरकार से इनकी शिकायत है कि सरकार इनको पैसा इनका जल्दी दिलवाए, सेबी अपनी जिम्मेदारी निभाए और इनका पैसा इनको मिलना चाहिए, और लोडा कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करें, इनको जल्दी पैसा मिले। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अक्रम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।